हेलो गाइस, मेरा नाम है अनकित और आप लोग देख रहे हो अनकित टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा मैं कैसे खुद का वीडियो एडिट करता हूँ। गाइस, प्रोफेशनली मैं आपका वीडियो में ये भी एडिट करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे सब्सक्राइब बटन लाता हूँ अपने वीडियोस पे, कैसे इंस्टाग्राम का लोगो लाता हूँ। मैं सब कुछ आज पूरा कंप्लीट बताऊंगा कैसे मैं अपना वीडियो एडिट करता हूँ, हाउ आई एडिट। सो गाइस, पूरा वीडियो जरूर देखना, वीडियो आज बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आप मैं इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी पूरी अच्छी तरीके से एडिट करना सीख जाओगे। सो गाइस, और एक बात, अगर कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज करते हो अपने वीडियो एडिट करने के लिए, वो है काइनमास्टर मॉड एपीके। गाइस, अगर आपको काइनमास्टर मॉड एपीके क्या होता है ये आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। काइनमास्टर मॉड एपीके ऐसा होता है, वो मॉड फीचर्स होता है, वो हमें प्ले स्टोर पे जो काइनमास्टर मिलता है वहाँ से हमें नहीं मिलेगा। मॉड फीचर्स हमें अलग से लेना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र से। अगर आपके पास मॉड फीचर्स काइनमास्टर के नहीं है तो आपको वीडियो जब आप एडिट करोगे तब आपके ऊपर लोगो आएगा काइनमास्टर का, एंड बहुत सारे कुछ आपको फीचर्स नहीं मिलेगा, पैसे से उसको खरीदना पड़ेगा। सो गाइज, मैं आपको बता दूं मॉड वर्जन कहाँ से मिलता है, क्रोम से मिलता है। अगर आपके पास नहीं है मॉड वर्जन तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा काइनमास्टर का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। काइनमास्टर मॉड एंड प्रो बेस्ट एप्लीकेशन है गाइज, उसे डाउनलोड करो एंड अपना जो है वीडियो को अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी दिखाओ। और है मेरे, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अनकित07 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज है अनकित टेक। एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, मैं एक सजेशन दूँ आपको, आप हमेशा अपने वीडियो पे किसी कॉपीराइट म्यूजिक ना ले। मैं अपना खुद का वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपका वीडियो का म्यूजिक मिल सकता है विदाउट कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा गाइस आपका म्यूजिक में। आप उस वीडियो को एक बार वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। सो हमारा काइनमास्टर जो है वो ओपन हो चुका है। गाइस, अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मिडिल में प्लस वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट एक्सपेक्ट रेटियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो 16.9 है ये यूट्यूब के लिए है, एंड जो 19.16 है ये है हमारा स्क्रीन सेवर के लिए, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टिकटॉक जैसा था ऐसे ही कुछ के लिए। एंड जो यहाँ पर 1+1 है ये कुछ हाफ आएगा गाइस, ये कुछ HD टाइप का होता है, एक्चुअली मुझे नहीं पता है किसका है, लेकिन फोटो का जो पिक्चर होता है फेसबुक का वो 1.1 ही आता है मुझे जैसे तरह पता है। सो गाइस, हम 16.9 को ओपन करते हैं। एंड आपको यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करना है। देखिए गाइस, हमारा जो काइनमास्टर का एडिटिंग है वो पूरा खुल चुका है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा गाइस, वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेटिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पर। सो गाइस, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको दिखा गया है ऑडियो फेड आउट, इसको आपको कमाकर बंद कर देना है। देखिए गाइस, इसको आपको बंद कर देना है एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कोने में मीडिया का ऑप्शन, इस मीडिया का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो आपने बनाया उसको आपको ले लेना है। तो मैंने अभी इस वीडियो को बनाया है। सो गाइस, मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनकित और आप लोग देख रहे हो अनकित टेक। सो गाइस, हमें पहले कुछ कट करना पड़ेगा गाइस, इतना सा हमें यहाँ पर आप सीजर का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर सीजर का ऑप्शन से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए गाइस, इस वाला जो ऑप्शन है इसमें आप इसमें टैप करोगे तो आपका पहला वाला जो है कट कर हो जाएगा, एंड आप यहाँ पर कट टैप करोगे तो आपका पिछला वाला जो हिस्सा है वो कट जाएगा, और यहाँ पर टैप करोगे तो आप मिडिल से किसी भी वीडियो का शॉर्ट को घुसा सकते हो। तो मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, तो आपने यहाँ पर देखा वो कट गया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको पूरा दिखाऊंगा।
हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप लोग तो गाइस देखिए ये कट गया पहला वाला जो था। अब हमें इस वीडियो का ऊपर यहाँ पर देख सकते हो लेयर का एक ऑप्शन है। लेयर पे जाके यहाँ पर देख सकते हो मीडिया, आपको मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। देखिए गाइस एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने वीडियो लेने के बाद कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आपको उसे लेयर पे ही ऐड करना होगा, लेयर के बगैर ऐड नहीं होगा। तो मैं अपना लोगो लगा देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो क्रॉपिंग का एक ऑप्शन है, आप अपने लोगो को गोल तरीके से बना सकते हो राउंड शेप में। तो इसे ऑन कर दो, ऑन करने के बाद शेप पे क्लिक करो, इसे गोल पे कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा 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 ऐसा, तो मैं गोल ही रखूँगा। तो गोल होने के बाद इसको आपको छोटा कर लेना है, कर लेने के बाद आपको इसे कोने पे लगा देना है। ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने उस मेरा वीडियो का लोगो मैंने लगा दिया। आप इसे पूरा खींच के वीडियो का इन तक लेके जाना, इस तरीके से आपको खींचना है, ये वीडियो का इन तक चला जाएगा। सो गाइस देखो हो गया। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने मेरा वीडियो का जो लोगो है वो मैंने लगा दिया। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना लोगो लगा दिया। आप वीडियो को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप लोग देख रहे हो अंकित टेक्स। सो गाइस आपको लोगो कैसे बनाते हैं ये भी आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ। आप अपने किसी भी आपका चैनल का जो लोगो है उसे उठा लो, या फिर उसे डाउनलोड कर लो, या फिर उसे स्क्रीनशॉट लगा लो एंड इसको यहाँ पर से गोल शेप में ला दो। किसी भी पिक्चर को ही आपका लोगो बन जाएगा, लोगो अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड करता हूँ। गाइस ये सबसे मेन पॉइंट है, सब्सक्राइब बटन कैसे ऑन करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास सब्सक्राइब का जो है टेम्पलेट मैं पहले से डाउनलोड करके रखा है। सो गाइस आप भी डाउनलोड करके रखिए ऐसे टेम्पलेट। सो गाइस अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता कहाँ से मिलेगा तो आप मैं बता देता हूँ आपको, आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस आप देखो यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का एक ऑप्शन है, क्रॉपिंग में जाके इसे पहले क्रॉप कर लो, ये जो काला वाला हिस्सा है उसे फेंक दो एंड इसके बाद इसको बड़ा कर लो। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल दो। डालने के बाद गाइस थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसे इनेबल कर दो। एंड जब भी आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके आएगा काला, आपको पूरा सब्सक्राइब बटन इस तरीके करना है, देख सकते हो गाइस। सो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसे खुद का वीडियो एडिट करता हूँ गाइस प्रोफेशनली। सो गाइस आप कॉमा की से थोड़ा सा ऐसा कर लो ताकि आपको बाद में नहीं दिखना पड़े, इसे थोड़ा सा सेट कर लेना है आपको, बस हो जाएगा। अभी भी साइड में दिख रहा है जो सबूत है, तो आपको इसी तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो गाइस देखो सब्सक्राइब बटन है जो है वो हो गया। इंस्टाग्राम आईडी भी लगाना दिखा देता हूँ। सो गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी ए है, मैं एक पिक्चर को जीपीजी में
ट्रांसफर कर लिया, अब इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर इन एनिमेशन देख सकते हो, आपको इसे फेड कर देना है, या फिर आप पॉप रख सकते हो, या फिर आप ऐसे स्केल डाउन रख सकते हो, कॉन्वर्ज, बहुत सारे कुछ है गाइस, आपको जो यहाँ पर पसंद आए वो आप यहाँ पर रख दो। मैं तो यहाँ पर वेब डाउन रखता हूँ। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन लगाना है, आउट एनिमेशन कुछ भी रख दो ऐसे। सो गाइस मैंने इसको लगा दिया, आप वीडियो को पहले से प्ले करके देख लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऑनकी, तो आप लोग देख रहे हो ऑनकी टेक। सो गाइस आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे खुद का वीडियो एडिट करता हूं गाइस प्रोफेशनली। मैं खुद का वीडियो में ये भी एडिट करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे सब्सक्राइब बटन लाता हूं अपने वीडियोस पे, कैसे इंस्टाग्राम का लोगो लाता हूँ, मैं सब कुछ आज पूरा कंप्लीट बताऊंगा कैसे मैं अपना वीडियो एडिट करता हूं, हाउ आई एडिट। सो गाइस आपने देखा मैंने सब कुछ लगा दिया, तो इसी तरीके से हम एडिट करते हैं। क्रोमा की आपको यूज़ करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, आपको क्रोमा की में कुछ नहीं करना, आपका बैकग्राउंड ग्रीन हो ऐसा कुछ चुन लेना है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन हो तो आप क्रोमा की में ऑन कर देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो हो जाएंगे। अब आपको ऑडियो लगाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो जाने के बाद मैंने यहाँ पर इस ऑडियो को चूज किया। सो गाइस देखो, तो ऑडियो को थोड़ा सा कम कर लेना है, वरना हमारा जो वॉइस है वो नहीं सुन पाएंगे हम, तो मैं यहाँ पर 41 पे छोड़ देता हूँ। So guys, आज के इस वीडियो पे बताऊंगा मैं कैसे खुद का वीडियो एडिट करता हूँ गाइस प्रोफेशनली। सो गाइस आपने देखा मैं इसी तरीके से अपना वीडियो जो है एडिट करता हूँ। और अगर आप और कुछ डालना है, जैसे कि अपना नेम या कुछ, आप यहाँ पर टाइपिंग करके डाल सकते हो ऑनकी, देखो गाइस आप यहाँ पर डाल सकते हो कुछ अपना, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो कहीं पे भी अगर आपको ज़रूरत हो तो गाइस। और कुछ है इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, इफेक्ट यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक इफेक्ट या से बहुत सारे कुछ है जिसे आप अपने वीडियो को प्रोफेशनली बना सकते हो, ओवरले, टेक्स, हैंड राइटिंग एंड बहुत सारे कुछ है गाइस, मैं आपको पार्ट टू में सब कुछ सिखा दूंगा। सो गाइस बहुत सारे फीचर्स मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, इसके लिए मैं इसका नाम पार्ट वन रखता हूँ एंड इसका मैं पार्ट टू लेके आऊंगा, जिसके ऊपर मैं क्रोमा की एंड रिवर्स एंड बहुत सारे फीचर्स मैं वहाँ पर दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, उनका प्रॉपर तरीका क्या है। सो गाइस मैं बहुत सारे और मैं इफेक्ट्स ग्राफिक्स की भी बात करूंगा। अगर आप कैन मास्टर चलाते हो आपको इफेक्ट्स ग्राफिक्स के बारे में नहीं पता तो सबसे मेन टॉपिक होता है गाइस, उसमें अपना वीडियो में बहुत कुछ ला सकते हो ग्राफिक्स के, अगर आपकी कॉमेडी चैनल है या वाइंस चैनल है ऐसे बहुत कुछ ला सकते हो, मैं उसको भी एक पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। सो वो सब कुछ आपको पार्ट टू में मिल जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सभी लाइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और एक हो सके तो एक कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और गाइस इंस्टाग्राम तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो। सो गाइस मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू कल या परसों मैं डाल दूंगा। सो गाइस तब तक के लिए बाय।